सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टेलरिंग को और घंटी पे दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी डिजाइनर ब्लाउज की स्टिचिंग, जिसकी कटिंग मैं पहले डाल चुकी हूँ। जैसे मैंने ये प्लेट का निशान लगाया है तो हम पहले प्लेटें डालेंगे, और आगे का पल्लर है ही हमारा, तो हमने अस्तल और कपड़े को दोनों को जोड़ लिया है। यहाँ से पहले हमने सीधी सिलाई लगाई है, और उसके बाद हमने अस्तल के बराबर कपड़े की भी कटिंग कर ली। अब हम प्लेटें डालेंगे। यहाँ से हम नीचे से पहले इस तरीके से कपड़े को उठाएंगे। और यहाँ से हम चौड़ाई लेंगे प्लेट की 1 इंच के नीचे से, और इसको हम इस तरीके से शेप में कम करते हुए डालेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ से दूसरी वाली प्लेट डालेंगे, इसकी चौड़ाई लेंगे हम यहाँ से 1/2 इंच की। यहाँ से 1/2 इंच लेना है। अब इसके बाद यहाँ से डालेंगे, इसकी भी चौड़ाई हमें 1/2 इंच की लेनी है, यहाँ से 1/2 इंच की चौड़ाई। यहाँ से अब ये हमारी प्लेटें डल गई है एक साइड। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड डालेंगे। यहाँ से पहले हमें 1 इंच की चौड़ाई लेनी है नीचे वाली प्लेट। अब ये हमारी दूसरी साइड भी प्लेटें डल गई हैं। अब हम आगे का गला बनाएंगे। अब हम एक चौकुटा कपड़ा लेंगे और आगे का गला है उसको हम बराबर करके रखेंगे। अब हम यहाँ पे एक पिन लगा लेंगे। अब हम यहाँ से मशीन लगाएंगे। अब इसके बाद हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे गले की। अब यहाँ से भी हमें गोलाई में कटिंग करनी है अस्तल की। यहाँ पे निशान लगा लेंगे हम, 1-1 इंच का कपड़ा रखेंगे। यहाँ पे हम कैंची लगा लेंगे, जहाँ पे हमारी गोलाई है वहाँ पे हमने कैंची लगा दी। अब कपड़े को दबा के हमें सिलाई लगानी है। अब उसके बाद हमने अंदर की साइड कपड़े को दबा के सिलाई लगानी है। यह आप तुरपाई भी कर सकती हैं, हम सुई की मदद से इसको तुरपाई करेंगे।
और ये कपड़े को अंदर की तरफ दबा के तुरपाई करनी है। अभी हमारे आगे के गले पे भी तुरपाई हो गई है और प्लेटें भी डल गई हैं। अब हम पीछे का पल्ला तैयार करेंगे। अभी हमने पीछे के पल्लक को भी जोड़ लिया है, अस्तर और कपड़े को दोनों को, और सिलाई भी लगा ली है। पहले हमने यहाँ से सीधी सिलाई लगाई है और इसको हमने यहाँ पे अस्तर को रख के सिलाई लगाई। पहले हमने सीधा है, सीधे के ऊपर अस्तर रखा है और यहाँ से सीधी सिलाई। उसके बाद हमने इसको अंदर के साथ दबा के और ऊपर से सिलाई लगा ली है और कपड़े के अस्तर के बराबर हमने कपड़े की भी कटिंग की है। वैसे मैंने ये बीच में निशान लगाया है, वो मैंने आपको कटिंग में बताया है। अब हम गला बनाएंगे। अब ये जैसे हमारा पीछे का गला है वो मैंने आपको कटिंग में बताया। अब हम एक चौकुटा कपड़ा लेंगे और इसको हमें बराबर करके रखना है। अब पहले हम इस पर सिलाई लगाएंगे बुकरम के ऊपर। अब कपड़े को दबा के सिलाई लगानी है। अब हम यहाँ से गले को डबल करेंगे बराबर करके। अब यहाँ पे बीच में कट लगा लेंगे। अब ये बीच का जो कट है यहाँ पे हम इसको मिलाएंगे दोनों कटों को बराबर। अब इस फिर हमें बुकरम के नीचे सिलाई लगानी है। अब हमने बुकरम के नीचे सिलाई लगाई है। अब यहाँ से हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे कैची का कट लगाएंगे। अब इसको हम अंदर की साइड दबा के सिलाई लगाएंगे। अब ये हमने पीछे का गला भी लगा लिया। अब हम इसमें प्लेट डालेंगे पीछे की साइड। तो ये हमारा जो निशान है कटा हुआ यहाँ पे निशान लगा लेंगे, इसके बराबर हमें प्लेट डालनी है। तो इसके बाद हम इसको बराबर करेंगे और यहाँ से इसके बीच में से कटिंग करेंगे जिसमें हम हुक लगाएंगे। अब हमने ये अस्तर लिया है, इसकी चौड़ाई है 2 इंच की।
अब इसको हम अंदर के साथ दबाएंगे जिस पे हम हुक लगाएंगे। तो हमें यहाँ से आधा इंच पट्टी को ज़्यादा रखना है और पीछे से भी। अब हमने कपड़े की चौड़ाई ली है 3 इंच की और इसको हम डबल करेंगे। यहाँ से हम इसको नापेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे पहले। अब हम यहाँ पे एक साइड सिलाई लगाएंगे। अब ये हमारा सीधा है, सीधे के ऊपर हमें पट्टी को रखेंगे। अब इसको हम यहाँ से अंदर की शर्ट दबा के सिलाई लगाएंगे। अब ये हमारी बाहर वाली पट्टी है, यहाँ पे हम काज बनाएंगे और उधर हुक लगाएंगे। इस तरीके से हम इसको बराबर नापेंगे तो ये हमारी पट्टी बराबर है। अब हम इस पे आगे का पल्ला धो लेंगे। यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। यहाँ से हम इसको बराबर नापेंगे। अब इसको भी हमें यहाँ आरुमल है वहां से शोल्डर को जोड़ना है। अभी हमारे शोल्डर जुड़ गए हैं। अब हम इसमें बाजू लगाएंगे और इसकी फिटिंग करेंगे। अगर आप चाहें तो पहले फिटिंग भी कर सकते हैं और बाद में बाजू लगा सकते हैं। तो हम पहले इसमें बाजू लगाएंगे, बाद में फिटिंग करेंगे। अब बाजू के लिए हमें पहले मोरी पे सिलाई लगानी है यहाँ पे। अब हम पहले बाजू को जोड़ेंगे तो पहले हम यहाँ से इसको नापेंगे इस तरीके से। यहाँ से बराबर है। अब हम ये हमारा सीधा है, सीधे के ऊपर हम ये बाजू को रखेंगे। अब इसी तरीके से हमें दूसरी साइड बाजू को जोड़ना है। अभी हमने बाजू को जोड़ लिया है। अब हम मोरी पे एक बॉर्डर को लगाएंगे। लेस है, इसको हमें यहाँ पे लगाना है। तो पहले हम इसको बराबर करेंगे उसके बाद यहाँ पे जो हमारा ये शोल्डर है यहाँ से हम इसको निशान लगाएंगे और इसी तरीके से इसको भी हम बराबर करके निशान लगाना है। अब ये दोनों निशानों को हम बराबर मिलाएंगे। अब हम पहले यहाँ पे सीधी सिलाई लगाएंगे।
बाजू की फिटिंग करेंगे। इसको हमें डबल करना है बराबर करके। हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे, यहाँ पे पहले मोरी पे निशान लगाएंगे 7 इंच पे। पहले हमें एक सीधी सिलाई लगानी है, बाद में फिटिंग का निशान लगाना है। यहाँ पे मोरी पे सिलाई लगा ली है 7 इंच, यानी कि 14 इंच की मोरी है हमारी, तो हमने 7 इंच पे निशान लगा लिया। अब हम यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाएंगे 1-1 इंच पे। और इस निशान को हम इसमें जोड़ देंगे मोरी में इस तरीके से। इस तरीके से हम दूसरी साइड फिटिंग करेंगे। उसके बाद हम इसको डबल करेंगे। हमारी पहली मोरी की जो चौड़ाई है 7 इंच की, तो इसकी भी हमें चौड़ाई 7 इंच की रखेंगे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे 1-1 इंच पे निशान लगाएंगे फिटिंग का। जैसे हमने पहले फिटिंग की है उसी तरीके से हमें ये फिटिंग करनी है। फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और इसको हम इस तरीके से तिरछा करके इसमें जोड़ देंगे। यहाँ से कमर का नाप लेंगे। जैसे हमारा ये ब्लाउज यहाँ से नापेंगे कमर का नाप, तो हमारी कमर बराबर है। अब हम इसमें कॉलर लगाएंगे। अब हम कॉलर जैसे यहाँ से कॉलर लगाएंगे आगे की साइड, यहाँ पे आगे की साइड हम इसको 2 इंच रखेंगे और उसके बाद हम यहाँ से इस तरीके से नापेंगे। तो यहाँ पे हमारा 4.5 इंच है इस तरीके से, 4.5 इंच तो हमारा यहाँ से हो गया। और जो हमने बुकरम में 1-1 इंच का यहाँ पे निशान लगाया है, तो ये हमारा यहाँ पे 2 इंच का निशान रहेगा। तो 4.5 इंच यानी कि 5 इंच रख लो, एक साइड हम 5 इंच और एक साइड यहाँ से, जैसे हम यहाँ से इसको नापेंगे तो 6 इंच हो रहा है। जैसे 5 इंच तो हमारा यहाँ तक बुकरम हो जाएगा और 1 इंच हमारा यहाँ पे गैप है, तो एक साइड हमारा 6 इंच का बुकरम लगेगा और इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमारा 6 इंच का बुकरम लगेगा। अब हमने 6 इंच की लंबाई ली है बुकरम की और इसकी चौड़ाई है वो 1.25 इंच की है, 1 इंच से ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसको हमने सीधा ही सिंपली दोनों साइड से हैं, इसमें हमने कोई कटिंग नहीं की है। अब ये सीधी पट्टियों को पहले हम यहाँ पे अस्तर से जोड़ेंगे और दोनों साइड हम एक कपड़े को 1.5 इंच रखेंगे। दोनों साइड लंबाई में हमने 1/2 इंच कपड़ा ज़्यादा रखा है। अब इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगानी है।
अब हम कपड़े को लेंगे और कपड़े पर सिलाई लगाएंगे। पहले अब हम पहले यहाँ से इसको दबा के सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से लगाएंगे। अब हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। अब हमने यहाँ पे बुकरम को यहाँ पे कपड़े पे सिलाई लगाई है और आधा इंच बढ़ा के सिलाई लगाई है। यहाँ से हमने आधा इंच पीछे की साइड के लिए बढ़ाया है जिसमें हुक पीछे की साइड लगाएंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे कपड़े पे आधा इंच बुकरम से अलग सिलाई लगाई है और यहाँ पे आधा इंच बढ़ा के और बुकरम के नीचे सिलाई लगानी है हमें यहाँ पे। फिर यहाँ पे भी बुकरम के नीचे सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमें कपड़े को बढ़ा के नहीं सिलाई लगानी है, बुकरम के नीचे सिलाई लगानी है। अब इसके बाद हम इसको सीधा करेंगे। और यहाँ से हम इसको अंदर की साइड दबाएंगे। यहाँ पे हम एक इंच अंदर की साइड दबाएंगे। यह हम इसको तरीके से भी सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ से हम एक इंच इसको यहाँ से सिलाई लगाएंगे। अब इसको सीधा करेंगे। अब इसको भी हमें यहाँ से अंदर की साइड दबाना है। और ये बहुत ही सिंपल तरीका है कॉलर लगाने का और ये इस तरीके से बन गया है। अब हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे एक इंच पे। अब यहाँ से तो हमने कपड़े को अंदर की साइड दबाया है और ऊपर की साइड से हमारा अंदर ग्राउंड सिलाई है, तो यहाँ से नीचे की साइड से हम कॉलर लगाएंगे। अब हमें यहाँ से एक इंच छोड़ के यहाँ इसको हमें यहाँ जो हमारा ये पीछे का पल्ला है उसको हम अंदर के साथ इस तरीके से करेंगे और यहाँ पे रखेंगे और इसके ऊपर अब हम सिलाई लगाएंगे। अब ये हमने आधा इंच छोड़ के सिलाई लगाई है। पहले हमने ऊपर की साइड सिलाई लगाई, उसके बाद आधा इंच छोड़ के ये नीचे की साइड सिलाई लगाई। अब ये यहाँ से हमारा एक साइड का कॉलर लग गया है। अब इसी तरीके से हमें दूसरी साइड इसी तरीके से लगाएंगे।
इसके बाद हमने एक कॉलर लगा लिया है। अब यहाँ पे हम इस तरीके से इसको यहाँ पे हुक बनाएंगे, यहाँ पे काज, यहाँ पे हम एक पिन लगा लेंगे, बाद में हम हुक और काज बनाएंगे। अभी हो गई हमारे डिजाइनर ब्लाउज, पीछे का गला हमारा इस तरीके से है और ये बहुत ही सुंदर लगेगा आगे के साथ। यहाँ पे हम फ्रिज लगा लेंगे अच्छे से इस तरीके से, और ये हमारा आगे का साइड का है, ये हमारा आगे का पल्लट है। ये बन गया हमारा डिजाइनर ब्लाउज। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।